चिलचिलाती गर्मी में भी सुकून देने वाला एसी बन सकता है जान का दुश्मन। अचानक एसी से धूप में निकलने पर बरतें ये सावधानियां, नहीं पड़ेगा स्वास्थ्य पर कोई असर। राज्य में चारों ओर गर्मी से हाहाकार मची हुई है। मौसम में परिवर्तन भी देखा जा रहा है, बीच बीच में बारिश भी हो रही है, लेकिन फिर भी इस चिलचिलाती हुई धूप व गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। चाहे दिन हो या रात, गर्मी का कहर लगातार जारी है और लोग इस गर्मी से राहत पाने के लिए एसी का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। बताते चले कि एसी का लगातार ज़्यादा देर तक इस्तेमाल हमारे सेहत के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। वहीं ज़्यादा देर तक एसी में रहने के बाद अचानक धूप में निकलने से जान भी गंवानी पड़ सकती है। एसी से अचानक धूप में निकलने पर बरते ये सावधानियां, नहीं पड़ेगा स्वास्थ्य पर कोई असर। जाने एक्सपर्ट से इससे संबंधित विस्तृत जानकारी उन्हीं की जुबानी। आजकल के आम जनजीवन में एसी का प्रयोग काफी बढ़ गया है। लोग अपने चैम्बर में, कमरे में, ऑफिस में एसी का प्रयोग करते हैं, इसे लगाते हैं। तो प्राय ऐसा देखा गया है कि जो टेम्परेचर है एसी का, उसमें ज्यादा देर लगातार रहने से अगर वो आदमी उस रूम से बाहर निकलता है तो बाहर का टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में डिफरेंस, बॉडी उसके हिसाब से तुरंत में एडजस्ट नहीं कर पाए। तो जनरली अभी सरकार की गाइडलाइन भी है कि जो एसी का टेम्परेचर है उसे 25 या 26 से फिक्स करके रखें, और लोग क्या करते हैं 16 पे, 17 पे, 18 पे बहुत ही चिड़ करके चलाते हैं। वो सही आदत नहीं है, क्योंकि जब आप बाहर निकलोगे जरूरत पड़ने पर रूम से, जब बाहर निकलोगे अपने एसी कमरे से, बाहर का तापमान अंदर तापमान में डिफरेंस जो उसके शरीर पे उसका जो प्रतिकूल प्रभाव है वो पड़ेगा, है ना। आपको हेडेक हो सकता है, आपको चक्कर आ सकता है, आपको फिर सर्दी खांसी बुखार वगैरह हो सकता है, आपको उल्टी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लोग को चाहिए कि एसी में रहें, पर टेम्परेचर जो एसी का है वो 24-25-26 में, 24-26 के रेंज में सेट करके रखें, ताकि उतने रेंज में अगर आप बाहर निकलते भी हैं तो उतना ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं होगा बॉडी का। लेकिन ज़्यादा 16-17-18-19 ऐसे जो टेम्परेचर वो नहीं रखना चाहिए। और गर्मी के दिनों में टेम्परेचर का वेरिएशन बॉडी पे अगर होता है तो उसका बहुत सारा दुष्प्रभाव है, वो सबसे बचना चाहिए। और जनरली एसी के प्रयोग कम से कम करें, लेकिन अगर जरूरी है, चैम्बर में लगे हैं, रूम में हैं, आपको आदत हो गई है, इन सब बातों का थोड़ा ख्याल रखें, एहतियात बरतें कि टेम्परेचर जो है वो 24-26 के बीच में ही करके रखें, और बाहर निकलने के पहले एसी थोड़ा देर बंद कर दें, और ताकि आप जो बाहर निकले तो आपका शरीर जो है बाहर के टेम्परेचर से कोप अप कर सके। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखते गर्मी से लड़ सकते हैं, बच सकते हैं और अपना स्वास्थ्य ख्याल रख सकते हैं। वो सडन से टेम्परेचर डाउन होगा तो भैंसों को इंसेक्शन होगा, या भैंसों को अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो भैंसों का डायलिटेशन हो जाएगा। इन सब चीज़ों से कभी कभी जो किसी आदमी का अगर आर्टरी में जो है वो भेन से ब्रेन का कमजोर है तो वहाँ से लीकेज हो सकता है, नस फट सकता है। कोई अगर ऑलरेडी हाइपरटेंशन के मरीज हैं उनका भी बीपी बढ़ जाएगा उनका, आप और ब्रेन का नस फट सकता है, और उनको ऐसा हो सकता है कि ब्रेन का नस फट जाए तो वो बेहोश हो जाए उनको, और लकवा टाइप का ऐसा कुछ हो सकता है। जनरली मतलब ऐसा हो, हर के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन जो ससेप्टेबल हैं, जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, जो कमजोर है, ब्रीथ दें, है ना, तो उन लोग के साथ ऐसा संभावना होती है।